सबसे पहले तो आज शौर्य दिन की सभी भारतीयों को और विश्व के बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों को मंगल कामना देता हूँ। शौर्य दिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज हम लोग ऐसे भूमि पर हैं जहाँ पर 1818 में या 31 दिसंबर 1817 के रात को यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया, जहाँ पर 500 नागवंश के लोगों ने, 500 शूरवीरों ने 30,000-28,000 पेशवाओं को यहाँ पर हार गिराया, मार गिराया और पेशवाई को खत्म कर दिया। ये एक उदाहरण है, ये जीता जागता हमारे सामने ये सबूत है कि हम लोग अगर इकट्ठा हो गए और कम संख्या भी हो, 500 लोग भी हो, तब भी हम पेशवाई को खत्म कर सकते हैं। इतना बड़ा उदाहरण आज यहाँ पर है। आज यहाँ पर रात के 12 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक लाखों लोग बाबा साहब के इस प्रेरणा स्थान, बाबा साहब यहाँ पर आके प्रेरणा लिया करते थे, इस प्रेरणा स्थान को नमन करके जाएंगे, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे और इसी वजह से आज पेशवाई या मनु का कानून, मनुस्मृति फिर से रिवाइव हो रही है, जिंदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आज ये अभिवादन करते समय अपने आप को संगठित रखने की भी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपनी होगी और संगठित होके जो पेशवाई या जो पेशवा राज इस देश में फिर से आ रहा है उसको खत्म करना होगा। ब्रिटिशरों की एंट्री हुई भारत में तो हम लोग उससे पहले से ही गुलाम थे। गांधी की लड़ाई सिर्फ गुलामी से आजाद होने की थी, हमारी लड़ाई गुलामों से भी गुलामी की आजादी थी। हम लोग डबल गुलाम थे, अंग्रेजों के भी गुलाम थे और यहाँ के मनुवादियों के भी गुलाम थे। और जब हम लोगों को एक मौका मिला कि यहाँ के स्कूलों में हमको दाखिला मिला, यहाँ की नौकरियों में दाखिला मिला, यहाँ के आर्मी में दाखिला मिला, तो हम वो पहले लोग थे जो पहली गुलामी से हम लोग बाहर निकले, वो थे मनुवादियों की गुलामी। और जब हमको ये मौका मिला तब हमने अपने रियल आइडेंटिटी में हम लोग पहली बार आए और पेशवाई को हमने खत्म किया। ये हमारे सिर्फ हाथ बंधे हुए थे पिछले 2500 सालों से, इसलिए हम गुलाम थे, हमारे गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू आ गई थी। जब हमें मौका मिला और बाबा साहब ने ये साबित करके दिया है, जब बाबा साहब को अंग्रेजों यूएस में जाके, लंदन में जाके पढ़ाई करने का मौका मिला, वो भी भारत की व्यवस्था ने नहीं पढ़ाया। अगर भारत की व्यवस्था में बाबा साहब पढ़ते तो आज भी हम गुलाम रहते। बाबा साहब को भारत के बाहर के व्यवस्था ने पढ़ाया और जब ये मौका बाबा साहब को मिला तो बाबा साहब इस देश का संविधान निर्माण कर पाए। ये हमारे में हुनर है, ये हुनर हमारा आगे ना आ पाए इसलिए ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर शिक्षा में निर्बंध ला के रखा है। और अभी आरटीई नया जो कानून है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाकर फिर से हमारे शिक्षा के ऊपर ये निर्बंध लाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने बुद्ध को नहीं छोड़ा, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताते हैं। अब वो बाबा साहब पे भी क्लेम कर रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है। तो ये जब वो किसी को हजम नहीं कर पाते तो वो उसको अपना लेते हैं। तो आज वो मनुवादी व्यवस्था जो बाबा साहब को एक समय पे अंग्रेजों के एजेंट कहा करते थे, स्वतंत्र आंदोलन में बाबा साहब हिस्सा नहीं ले रहे थे, ऐसा ही भी बाबा साहब पे आरोप लगाया जाता था, अब वही बाबा साहब इन लोगों को प्यारे लग रहे हैं। बाबा साहब के स्मारकों का उद्घाटन हो रहा है, संविधान की दुहाई दी जा रही है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बौद्ध धम्म के कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब को अपना कर बाबा साहब को खत्म करने का काम भी आरएसएस बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। बहुजन महापुरुषों का गढ़ माना जाता है जी। लेकिन यहीं से बहुजन समाज का भी शासन प्रशासन नहीं हो पा रहा, जबकि उत्तर प्रदेश एक आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर बहुजन सत्ता आ चुका है। देखिए देखिए कैसा है, जहाँ से क्रांति होती है, प्रतिक्रांति का केंद्र वहीं पर स्ट्रांग होता है कि यहाँ के लोगों ने क्रांति कर दिखाई है, यहाँ ये भूमि उस चीज की उदाहरण है और इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिक्रांति यहीं पर है। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है क्योंकि बाबा साहब की दम की क्रांति वहां पर हुई, तो नागपुर में हेडक्वार्टर बनाकर वहां से बाबा साहब की दम क्रांति को खत्म किया जा रहा है। पुणे में यहाँ पर हमारे लोगों ने क्रांति की, यही पर पुणे के ब्राह्मण बाबा साहब कहा करते थे कि ब्राह्मण हर यहाँ के नालायक होते हैं लेकिन पुणे का ब्राह्मण ज्यादा नालायक है। तो ये यहाँ पर जो गढ़ है, चाहे वो पुणे हो, नागपुर हो, ये इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारियों की इतिहास रह चुका है और वो क्रांति फिर से ना शुरू हो इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिक्रांति यही पर है। आपने कहा 1818 में यहाँ पे 500 महावीरों ने 28,000 भूल चुकाई, लेकिन आज के समय वो उस समय गुलाम थे आंतरिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आज के जो दलित जिसे कहते हैं वो मानसिक क्रांति नहीं है, शिक्षा भी आ रही, इसके बावजूद भी बहुत सारे संगठन बना गए, अपने आप को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं, क्या लग रहा है इसके बारे में? देखिए
1808 का जो युद्ध हुआ वो आत्मसम्मान के लिए था, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए था। आज हम लोग युद्ध नहीं कर पा रहे हैं वो क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना आत्मसम्मान गवा चुके हैं। अगर ये समाज अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है तो फिर से ये क्रांति करके दिखा सकता है। सिर्फ हम लोगों को जागने की जरूरत है, हम कहीं ना कहीं अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं और बाबा साहब के आंदोलन की वजह से हम लोग एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, उस जोन से हमको बाहर निकलना है। हम लोगों को अब ऐसा हम लोग ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए है, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे हम लोग जोन में जा चुके हैं। जबकि हिंदुओं की इस देश में सरकार है, हिंदू इस जोन में ना जाए इसलिए उन लोगों को हमेशा जगाए रखा जाता है कि हिंदू खतरे में है। जबकि प्रधानमंत्री उनका है, सुप्रीम कोर्ट का CGI उनका है, मीडिया उनका है, सारा प्रशासन उनका है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में ना जाए इसलिए उनको बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है। सर क्या कहेंगे आज की तारीख में जहां संविधान के ऊपर छेड़छाड़ की आरोप लगाया भी हमें पहले तो जब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में अपना तो हमारे राजनीतिक संगठन अभी भी हमारे 132 सांसद भवन में जाते हैं लेकिन कोई भी उसमें सवाल के निशान नहीं लगाता। मैं उनको अपना सांसद नहीं मानता। ये लोग बाबा साहब ने इनके लिए टर्म यूज किया है कि दे आर टूल्स स्टूजियस एजेंट्स, ये दलाल है, उन पार्टियों के दलाल है, उन पार्टियों ने इनको SC के रिजर्व सीट पर टिकट दिया है इसलिए उस पार्टी की गुलामी करते हैं, उस पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, इसलिए ये SC के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नेता नहीं है, हमारे सांसद नहीं है, ये उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सर एक समय था जब बहुजनों के नेता नहीं थे लेकिन आज के डेट में तमाम हमारे पास नेता हो गए हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए और हमारी बहुजन समाज की जिस प्रकार का हालत है कि बहुजन समाज को बहन बेटियों से अत्याचार बलात्कार हो रहा है, हर जगह पिट रहा है, ये नेताओं को कब क्या कहना चाहते हैं, कब एक होंगे? देखिए हमारे यहाँ पर और खास करके महाराष्ट्र में हर गाँव में आपको राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी नेता मिलेंगे। जो आदमी गांव के बाहर नहीं है वो राष्ट्रीय नेता अपने आप को कहलाता है। तो ये हमारे में बहुत सारे गुट तैयार हो गए। बाबा साहब का सिर्फ अंबेडकर नाम लेकर इस देश में 1,00,000 संगठन काम करते हैं, बुद्ध के नाम से अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, हमारे जितने महापुरुष है हमने अपना अपना महापुरुष उठाकर हम अपने अपने महापुरुषों के नाम से जाति में और उससे भी नीचे उप जाति में काम कर रहे हैं। और जब तक हम ऐसे बटे रहेंगे तब तक हमारे आंदोलन को कोई भी इंपॉर्टेंस इस देश में नहीं मिलेगा।